एसिटिक एनहाइड्राइड का दोस्तों सूत्र तथा इसका सिस्टमेटिक आईपीसी नाम अभी हम देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ ओ, फिर आपका डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इसको मैं सही फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप इस बात को समझिए। यह जो प्रत्येक सिरा है, ये मुड़ा हुआ भाग, ये आपका एक कार्बन को शो करता है, यानी यहाँ आपका एक कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ एक कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? फोर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट है, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट है, यहाँ 1 और 3 हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ 1 और आपकी 3 हाइड्रोजन आ गई। वैसे दोस्तों ये आपका इसका आईपीसी नेम ही है, इसको हम अपना प्रेफर्ड आईपीसी नेम कहते हैं, इसका सिस्टमेटिक आईपीसी नेम क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, इसका सिस्टमेटिक आईपीसी नेम बनता है दोस्तों आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड, यह है जो इसका सिस्टमेटिक आईपीसी नेम बनता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, अन्य खूब सारे वीडियो हमारे आए हुए हैं, उनको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके कुछ अदर नेम भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आपके लिए वो ज्ञानवर्धक साबित होंगे। अदर नेम में देखिए आपका यहाँ पे इसका नाम बनता है आपका ये आपका एथेनॉल, एथेनोएट, उसके बाद इसको हम ये भी कहते हैं एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, ये इसके अदर नेम है, ठीक है, एसिटिल ऑक्साइड एंड एसिटिक ऑक्साइड, ये इसके कुछ अदर नेम है, ठीक है, थैंक यू।